नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इलेक्शन पल्स तेलंगाना चुनाव। यह चुनाव बहुत खास है। देश के 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें से ही आखिरी चरण में यहाँ पर चुनाव हो रहा है। 30 को मतदान है और बाकी राज्यों की तरह सिर्फ मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ तेलंगाना में भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार देखें, उनके बैनर देखें, उनके पोस्टर देखें, उनकी रैलियां देखें, तो ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनने जा रहे हैं। सारा चुनाव प्रचार उनके केंद्रित है। रोड शो, जो हैदराबाद में रोड शो की तैयारी है, जो रोड शो हुआ उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में, तेलंगाना की राजनीति में बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रही है। लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। ज़मीनी हकीकत यह है कि पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2018 में, उसमें तेलंगाना से सिर्फ 1 विधायक भारतीय जनता पार्टी का था। अभी भी वह सबसे बड़े विवादित नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, टी राजा सिंह। गोशा महल से, जो हैदराबाद का ही हिस्सा है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और बड़े पैमाने पे जहां पर उत्तर भारत से आए हुए लोग, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग बसते हैं, वहां से वे विधायक बने। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर क्या दिलचस्पी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलंगाना में इस कदर प्रचार करने की, रोड शो करने की? आखिर मैसेज वह क्या देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर भाषण सुनिए तो लगता है कि वे केसीआर को जिस तरह से निशाने पर ले रहे हैं, जिस तरह से उनके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा था महाराष्ट्र चुनाव, और महाराष्ट्र चुनाव के बाद जिस तरह से उन्होंने निशाने पर लिया था एनसीपी के अजीत पवार को, उन्हें भ्रष्टाचार का मुखिया बताया था, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केसीआर को निशाने पे ले रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया। यहाँ केसीआर ने जो जो स्कैम किए हैं, बीजेपी सरकार सभी की जांच कराएगी। तेलंगाना के गरीबों से, तेलंगाना के युवाओं से विश्वासघात करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बीआरएस के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का हमारा संकल्प है। जबकि दूसरे तरह की जो पल्स है और राष्ट्रीय राजनीति पर जो सीधा असर पड़ता है तेलंगाना की राजनीति में, उसमें दिखाई दे रहा है कि टीआरएस, जो अब भारत राष्ट्र समिति है यानी बीआरएस बनी है, वह एक अघोषित समझदारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार के साथ खड़ी हुई है। और इसकी बड़ी वजह जो लोग बताते हैं, जिस तरह से केसीआर की जो बेटी है के कविता, उन्हें निशाने पे लिया गया, ईडी और बाकी जांच उनके एजेंसियां उनके पीछे थी, यह एक बड़ा मुद्दा था। सवाल यह है कि क्या इसका असर तेलंगाना राजनीति पे पड़ेगा, इसे टटोलना बहुत जरूरी है। दोस्तों आइए देखिए जरा प्रोफाइल। यहाँ पर भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हैं, डेफिनेटली मोदी जी के बाद, वे हैं टी राजा सिंह, जो गोशा महल से एमएलए हैं, और उनकी ख्याति ये है कि वह भड़काऊ भाषण देने में नंबर 1 पर हैं। ऐसा लगता है वह क्लेम करने वाले हैं कि पूरे भारत में उनसे ज्यादा नफरती भाषण कोई और नहीं दे सकता, और मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा। यह सस्पेंशन चुनाव से ठीक पहले वापस ले लिया गया। हालांकि इस दौरान जहां जहां चुनाव हुए वहां पर राजा सिंह गए और उन्होंने चुनाव प्रचार किया और मुसलमानों के खिलाफ उसी तरह की नफरत उगली जो वह हैदराबाद में करते रहे हैं। हैदराबाद में
पुराने हैदराबाद में जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। और हमने जब लोगों से बातचीत की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उन्होंने भी बताया जो इलाके उन्होंने गिनाए, क्योंकि उनका दावा है कि 30 के करीब सीटें निकाल सकते हैं, वे सारे इलाके वही हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां पर वे केंद्रित करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम तनाव को लेकर। दूसरा बड़ा नाम किशन रेड्डी का है। किशन रेड्डी केंद्र में केंद्रीय राजनीति में ले जाए गए, अहम मंत्री बनाए गए और इस बार भी वे विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा हैं इटला राजेंद्र, जो TRS में अहम पद पर रहे हैं। वहां पर नाराजगी हुई, उसके बाद उन्होंने उन्हें बाहर निकाल कर रास्ता दिखाया KCR ने, और फिर वह जुड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ। फिर एक और नाम रघुनंदन राव, यह भी MLA हैं बीजेपी के। बीजेपी के MLA एक थे, लेकिन दूसरा चुनाव आते आते उनकी संख्या 3 हो गई। यह दुबाका से विधायक हैं। इन्होंने भी अलग अलग ढंग की राजनीतिक पारी खेली, KCR, कांग्रेस और फिर अंततः भारतीय जनता पार्टी के पास। और सबकी खासियत यह है कि वे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम और संगठनों के साथ साथ नफरत की राजनीति और नफरत की खेती के आधार पर राजनीति में अपना नाम चमकाने पर आतुर हैं। तेलंगाना चुनाव में दलित वोटों पर बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स खेली जा रही है। एक तरफ KCR हैं और दूसरी तरफ हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मादिगा समाज के नेता के साथ किस तरह से उनको रुलाते हुए, उनके साथ स्टेज शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी दलित वोट भी बहुत अहमियत रखते हैं। आइए आपको दिखाती हूँ हैदराबाद में टैंक बन में बनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भारत में सबसे ऊंची मूर्ति। इसके बारे में दावा किया गया है कि ये सबसे ऊंची मूर्ति है, और यह मूर्ति और इसके साथ साथ जो दलित बंधु कार्ड है जिसके तहत दलितों को लोन देने की बात है, इस तरह से अनगिनत योजनाएं जो KCR ने, TRS की सरकार ने तेलंगाना में चलाई हैं, उससे एक बात साफ है कि बड़े पैमाने पर दलित वोट उनके लिए अहमियत रखते हैं। और दलित वोटों में जो सेक्शंस हैं अलग अलग, दक्षिण भारत में माला और मादिगा होता है, और माला और मादिगा के बीच लड़ाई KCR और बीजेपी और कांग्रेस, इनके बीच बहुत तगड़ी और बहुत साफ दिखाई दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मादिगा समाज के नेता मंदा कृष्णा मादिगा के साथ जब स्टेज शेयर करते हैं, और आप देखिए यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में दिखाई देता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उन्हें गले लगा रहे हैं, और आपको हैदराबाद में अनगिनत पोस्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मादिगा नेता के साथ खड़े हुए हैं। यानी बात बहुत साफ है कि किस तरह से किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना एक पुख्ता वोट बैंक स्थापित करना चाहती है। और इसमें एक बात जिसका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहती हूँ, इसमें एक बहुत खतरनाक कार्ड भी खेला जा रहा है। ये जो नेता हैं कृष्णा मादिगा, इनका जो पूरा का पूरी प्रस्तावना है, जो पूरा का पूरा आधार है, वह यह है कि आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। यानी माला समाज को ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है, मादिगा समाज वंचित रह जा रहा है, और मादिगा समाज में यह फीलिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, बैठी हुई है, उत्तर भारत में भी है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं और उसके बाद वो तमाम जगहों पे इसी तरह से बात करते हैं, इसका मतलब दलित समाज के भीतर एक विभाजन की, अंबेडकर की दृष्टि से डाइवर्जन की कोशिश बहुत तगड़ी, बहुत पुख्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही है। दोस्तों, ये जो पोस्टर दिखाई दे रहे हैं आपको, प्रचार के पोस्टर, यह TRS का पोस्टर है जो BRS है, कांग्रेस है, और यह है बीजेपी का पोस्टर। तकरीबन जो लड़ाई है इस राज्य में इसके और इसके बीच प्रमुख तौर पे लड़ाई मानी जा रही है, यानी BRS और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, और उसमें बीजेपी एक दूसरे ढंग का खेल खेलती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया, थोड़ा आपको याद दिलाएं, 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें
तेलंगाना राज्य में जो 119 सीटें हैं उनमें 88 यानी 88 सीट पर आई थी टीआरएस और कांग्रेस को मिली थी महज 19 सीटें, लेकिन और बीजेपी जैसा कि मैंने पहले बताया सिर्फ एक सीट पर विजयी हुई थी गोशा महल में। लेकिन 2018 से लेकर 2023 के बीच सीन काफी बदला है और इसकी आहट हमें मिलती है हैदराबाद में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए उनसे। म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस में 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और शायद जिस तरह से उसने अपना आधार बढ़ाया है उसी आधार के भरोसे भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह इतने बड़े पैमाने पर तेलंगाना में अपना दांव खेल रहे हैं। ये जो रैली होती है इसमें देखिए दो चीजें बहुत अहम हैं। पहली चीज वह एक ढंग की टोपी पहनकर आते हैं और उसके बाद भाषण देने से पहले दूसरे ढंग की टोपी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं और अपने पूरे भाषण में निशाने पर वह लेते हैं केसीआर को। और खास बात एक और कि उनके साथ जो लोग मंच पर हैं या हैदराबाद में जो रोड शो है उसमें जो लोग साथ में हैं वे तमाम वे चेहरे हैं जो इस राज्य में और इस शहर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम करते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में सबसे बड़ा कार्ड जो उसे खेलना है, जो खेल रही है, उसके अघोषित नेता के तौर पर टी राजा सिंह हैं और कृष्ण रेड्डी हैं। लिहाजा यह चुनाव अपने आप में बहुत दिलचस्प है। एक अहम चीज कि जहां हम जनता से बात करते हैं जब लोगों के बीच जाते हैं तब बड़े पैमाने पर केसीआर की जो योजनाएं हैं वह पहुंची हुई दिखाई देती हैं, उनकी धूम है, उनसे लोग मिलने से खुश हैं ना मिलने से नाराज हैं और जो लोग बदलाव चाहते हैं वे बड़े पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। MIM अपनी पकड़ मजबूत रखे हुए है यह बात भी जग जाहिर है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार अभियान कर रही है, जिस तरह से उसके पास धन और तमाम रिसोर्सेज हैं, इससे बात साफ है कि दक्षिण भारत में हर जगह मुंह की खाने के बाद तेलंगाना एक उर्वर प्रदेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ जो टीम खड़ी हुई है वह सारी टीम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के साथ साथ मेजॉरिटी हिंदू ध्रुवीकरण की तरफ तो बढ़ ही रही है, लेकिन वह चाहती है कि परिवारवाद का नाम लेकर और बाकी जो भ्रष्टाचार की एक लंबी सूची है उसका नाम लेकर अपनी बैटिंग करे। आज हमने चर्चा की आपके साथ मोदी जी के दांव की, मोदी जी की करामात की और मोदी जी के उस करिश्मे के पीछे के छुपे हुए सच की जो बार बार टी राजा सिंह जैसे उन्मादी भड़काऊ भाषण देने वाले व्यक्ति को अपने केंद्र में रखने पर मजबूर होता है। शुक्रिया।